समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने उनकी टोपी पर तंज कस दिया था। सपा प्रमुख ने कहा कि जो लोग उनकी और उनकी पार्टी की लाल टोपी की आलोचना कर रहे हैं उन्हें खुद भी एक टोपी की आवश्यकता हो सकती है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सपा की लाल टोपी लाल है और कारनामे उससे ज्यादा काले हैं। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूँ। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान समर्थकों से मिलने और उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देने कन्नौज आए यादव ने अपनी पार्टी का बचाव करते हुए कहा कि लाल रंग भावनाओं का रंग है, लाल रंग देवी दुर्गा का रंग। देखिए कभी कभी लोगों को सदमा लगता है, आप सब लोग जानते हो जब सदमा लग जाता है तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा, ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है, ये कार्यक्रमों का, हमारे जब बहुत पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा रंग अगर कोई दिखाई देता है तो लाल रंग दिखाई देता है। हम जब खुश होते हैं तो आप देखते होंगे हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं, दुखी हों तो हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं। ये लाल रंग इमोशन का है, हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो हमारे यहाँ तो बाल बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। काले रंग की टोपी पहनते हैं उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा, इसलिए काले पे बहस नहीं कर रहे हम, हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव ने कहा वो हमारी टोपी का दुरुपयोग कर रहे हैं, फिर भी हमारा व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा है, कम से कम हमारे बाल तो पूरे हैं इसलिए हम टोपी पहन रहे हैं, जिनके बाल नहीं हैं उन्हें भी टोपी पहननी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान मिली हार को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं इसलिए इस तरह के बयान देते जा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हार का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इसीलिए वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। अखिलेश यादव ने बांग्लादेश की स्थिति के बारे में भी योगी आदित्यनाथ की टिप्पणियों की भी आलोचना की और कहा अगर उनके मन में किसी विदेशी मुद्दे को लेकर कुछ है तो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री से बात करनी चाहिए, दरअसल वो सड़कों पर अराजकता फैलाना चाहते हैं। जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर यादव ने कड़ी रुख अपनाया और तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP की कौशल जनगणना की चर्चा पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भाजपा को इस मामले में चालाकी करने से आगाह किया। उन्होंने जातियों की गणना और सभी समुदायों के अधिकारों और सम्मान को सुनिश्चित करने की वकालत करते हुए कहा कि जाति जनगणना का मतलब जाति जनगणना है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।